वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, मेरे लक्ष्मी रिएक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, जिंदगी भर काम आने वाली चार कहानियां, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति काफी दिनों से परेशान चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा व तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था। अपने इसी मानसिक तनाव के चलते वह बच्चों को अक्सर डांट देता। वह उसका अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर समय किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता ही रहता। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांटकर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी उठाकर देखा और जैसे उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर उस आखिरी वाली लाइन ने तो उसकी नींद ही उड़ा दी थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में लिखना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। ये सब विचार आते ही उसने हाथ जोड़ दिए और आसमान की तरफ देख कर बोला, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई हो। उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग की इसी चमत्कारिक ताकत के बारे में डिटेल से जानने के लिए मैंने अभी रिसेंटली ही कुकू एफएम पर हिंदी में एक ऑडियो बुक सुनी है, जिसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस ऑडियो बुक से मैंने सीखा कि सफलता की जड़ें हमारे मन में होती हैं, हम मन से ही जीतते और हारते हैं। इसके साथ ही यह ऑडियो बुक हमें सिखाती है कि कैसे खुद पर विश्वास करना है, चिंता करने की आदत को तोड़ना है और अपने विचारों पर नियंत्रण करके वो अपने दृष्टिकोण को बदल कर अपने जीवन को नियंत्रित करना है। इसमें ऐसी ही और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें आप इस ऑडियो बुक को पूरा सुनकर जान सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस ऑडियो बुक के लास्ट में ऐसे बहुत से तरीके बताए गए हैं जिनको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति बुरी से बुरी कंडीशन में भी खुद को शांत और पॉजिटिव रख सकता है। आप चाहें तो इस बुक समरी के सारे एपिसोड्स को डाउनलोड करके उन्हें बाद में ऑफलाइन भी सुन सकते हैं। और इसके साथ ही
इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातों के चैप्टर वाइज नोट्स बनाकर उन्हें बात के लिए सेव भी कर सकते हैं। और कुक एफएम की बात करें तो यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शोज को सुन सकते हैं, वो भी 7 इंडियन लैंग्वेजेस में। आपकी और मेरी तरह 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हर दिन इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। वैसे इस प्लेटफॉर्म का मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है 99 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज़ का। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि उनके लिए हमेशा फूल मौजूद होते हैं जो फूल देखना चाहते हैं। महाभारत के एक संवाद में मृत्यु के पश्चात दानवीर कर्ण की आत्मा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया, क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते, क्या यह मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ही ये श्राप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूल बस एक गाय मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौवध का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझसे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला, तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मामा कंस के रूप में मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साय में गुजरा। मैंने मेरे बचपन में गायों को चराया और गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मेरे ऊपर कई प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम सब अपनी वीरता के लिए अपने गुरु व समाज से प्रशंसा पाते थे, उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। बहुत बड़ी उम्र के बाद मुझे ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। कम से कम तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने का अवसर तो मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिला। राधा जो मेरी आत्मा में बसती थी, मुझे उसका त्याग करना पड़ा। मुझे बहुत सारे विवाह सिर्फ राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा, धोखेबाज कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से वंचित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता, बस समस्या यह है कि हर किसी को अपनी परेशानियां ही सबसे बड़ी लगती हैं। सत्य क्या है और उचित क्या है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गाँवों में जाते, भिक्षा मांगते और शाम को झोपड़ी में लौट आते। वे दिन भर भगवान का नाम जपते, भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गाँवों में भिक्षा मांगने निकल गए। शाम को अपने गांव लौटकर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, दूसरे गाँवों में चोर लुटेरे लोगों के घर तो सही सलामत हैं और हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। ये भगवान भी कितना बेरहम है, हम भक्तों को दुख देता है और बुरे लोगों को खुशी। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां आ पहुंचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। ये देखकर वह बहुत खुश हो गया और सिर जमीन पर रखकर भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे ईश्वर, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास
और ज़्यादा बढ़ गया है। इस कथा की सीख यही है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थितियों को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीज़ों को भी नहीं देख पाते। इसी के साथ सकारात्मक सोच की शक्ति को दर्शाती एक कहानी और सुनते हैं। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह यात्रा पर निकला। मार्ग में एक घना जंगल था जिसे पार कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना था, लेकिन चलते चलते वह बहुत थक गया था। इसीलिए एक वृक्ष के नीचे वह सुस्ताने के लिए बैठ गया। सुस्ताते हुए उसे प्यास लगने लगी, लेकिन वह पानी लेकर नहीं चला था। वह सोचने लगा, काश मेरे पास थोड़ा पानी होता जिससे मैं अपनी प्यास बुझा पाता। उसके यह सोचते ही एक चमत्कार हुआ और उसके समक्ष पानी से भरा एक घड़ा प्रकट हो गया। पानी से अपनी प्यास बुझाकर वह तृप्त हो गया। कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसके पास भोजन नहीं था। वह खुद से बोला, कितना अच्छा होता यदि एक थाल में स्वादिष्ट भोजन मुझे मिल जाता, मेरी भूख मिट जाती। उसके ये बोलने के साथ ही पुनः चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से सजी एक थाल उसके सामने प्रकट हो गई। उसने पेट भरकर भोजन किया, जिसके बाद उसे नींद आने लगी। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा, काश यहाँ एक नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही उसके सामने एक आरामदायक बिस्तर प्रकट हो गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे महसूस होने लगा मानो वह स्वर्ग में है, जहाँ एक के बाद एक उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती जा रही हैं। वह अनभिज्ञ था कि जिस वृक्ष के नीचे वह लेटा हुआ है वह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक कल्प वृक्ष है जिसमें सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि वह बन तो कई प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ होगा, जो किसी भी क्षण वहाँ आ सकते हैं। ऐसे में तो वह खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, कहीं से एक खुखार शेर वहाँ आ गया। शेर को अपने समक्ष पाकर वह इतना भयभीत हो गया कि वहाँ से भाग भी ना पाया। शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से गतिमान होता है। सकारात्मक विचार सर्वदा सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। और जहाँ तक प्रसन्नता की बात है, यह पहले से निर्मित कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे ही कर्मों से आती है। दोस्तों, आपने इन चारों कहानियों से क्या सीखा, कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म। इसमें फ्रेंड्स ऐसे मतलब वीडियो में समझाएं, ऐसे बताएं कि एक इंसान मतलब अगर गलत सोच रखता है तो उसको गलत सोच की वजह से हमेशा मतलब उसको साथ गलती होती है। तो इसमें यही दिखाए हैं, कितना अच्छा लगा कि मतलब कभी गलत सोच नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं गलत तरीके से मतलब सोचना चाहिए। हाँ, हमेशा सकारात्मक मतलब सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक मत सोचिए। अगर नकारात्मक सोचते हैं तो हमेशा बुराई होती है, अगर सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छे से फील महसूस होता है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे सामने खुद अच्छाई होती है, अब बुरा सोचते हैं तो सच में बुराई होती है। तो कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, हर घड़ी अच्छाई सोचना चाहिए। चाहे गरीबी हो या अमीरी हो, जैसे भी आप लोग रहते हैं, चाहे हम रहते हैं, कोई भी रहता है, उसमें अच्छा सोच हर घड़ी सोचना चाहिए। अच्छा सोचने से अच्छा होती है। इसमें कितनी अच्छी सीख मिला। कृष्ण जी क्या बोले हैं कि देखिए मतलब मैं तो भगवान हूँ, फिर भी हमको लोग हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि भगवान हम तेरा इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी तू मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। जब कृष्ण के लोग नहीं छोड़े तो मनुष्य हम लोग कैसे चीज हैं। यही बात है कि सिर्फ सोच के अंदर एक कमी होती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो सभी अच्छा होता है। ऐसे दिखाए दो पंडित की कहानी, दोनों पंडित हमेशा भगवान की पूजा पाठ करते थे, जिंदगी भर हवन पूजा पाठ करे, अपनी कुटिया में रहते थे। कैसे एक आंधी आया, कैसे कुटिया को तोड़ फाड़ दी, उड़ा दी। दोनों पंडित के गए थे गांव में भिक्षा मांगने, तो जब अपने घर पे आए तो देखें उनकी कुटिया जो मने तहस नहस हो गई। कैसे पंडित मतलब वहाँ पे उल्टा सीधा भगवान के खिलाफ बनने लगा। ये भगवान, मैं जिंदगी भर तेरा पूजा किया हूँ, तेरा प्रार्थना किया हूँ, हमेशा तेरे याद में रहता था, फिर भी तू मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर दिया, मेरा झोपड़ी तू तोड़ दिया। हम लोग अच्छाई लोग के साथ ऐसा बुराई क्यों होता है, बुरे लोग के साथ अच्छा होता है। तो उसका सोच बुरा था इसलिए ऐसा सोचा, तो उसके साथ बुरा हुआ। आज जो एक पंडित था तो भी आया तो उसका भी झोपड़ी टूटी मिली थी। तो कह रहा, वाह भगवान, कितना अच्छा तुमने किया जो मेरी झोपड़ी टूटी गई।
कि मैंने इतना मैं पूजा पाठ करता हूँ चाहे कुछ भी करता हूँ, जो मतलब नसीब में लिखा होता है, जो प्रकृति की जो देन होती है उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसका टूटा तो उसको कोई मतलब अफसोस नहीं हुआ, कहा कि टूटा तो फिर बनेगा, इसमें भगवान से क्या गलती है, इसमें भगवान में कुछ भी गलती नहीं। तो अच्छा सोचा तो उसको अच्छा हुआ, वही पंडित बुरा सोचा तो उसका बुरा हुआ। यही बात में कभी बुरा ही नहीं सोचना चाहिए। कैसे एक व्यक्ति था, जा रहा था रास्ते में, तो कल्प वृक्ष के पेड़ था, वहाँ पे बैठ गया, थक गया था, तो बैठे बैठे कैसे मतलब मन में उसके ऐसे उम्मीद, ऐसे मतलब वो कल्पना हो रही थी कि हे भगवान अगर इतना मुझे प्यास लगा है, अगर मुझे पानी मिल जाता तो मेरा प्यास शांत हो जाता, तो वहाँ पर कैसे घड़े में पानी तैयार हो गया, पिया एकदम तृप्त हो गया आराम से, कल्प पेड़ था वृक्ष था वहाँ पर बैठा था। फिर सोचने लगा कि हे भगवान अगर अच्छा थाली में मुझे भोजन मिल जाता तो कम से कम मेरा भूख शांत हो जाता, अच्छे से मतलब मैं रह सकता। वहाँ पे क्या हुआ, ऐसे जो सोचा तो ऐसे ही हुआ। तो फिर वहाँ पे क्या, थाली में खूब अच्छे से भोजन मिल गया, उसको भोजन खाया, तृप्त हो गया, आराम से बैठा है पेड़ के नीचे, वो पेड़ क्या सा कल्प वृक्ष पेड़ था, उसके नीचे बैठा है। तो फिर सोच रहा है कि इतना पथरीला जगह है, अगर मुझे बिस्तर मिल जाता खूब नर्मदित अच्छे से, मैं आराम से वहाँ पे सो जाता। तो जो मन में सोचा वो भी प्रकट हो गया, बिस्तर भी प्रकट हो गया, आराम से उस पर सो रहा है। सोते सोते क्या देख रहा ख्वाब कि हे भगवान अगर मैं जंगल में हूँ, अगर कोई जानवर आएगा तो मुझे तो खा जाएगा, तो ऐसा कोई मतलब होता जो मुझे मतलब कोई डर भी नहीं होता। तो सच में एक शेर प्रकट हो गया वहाँ पे, जब शेर प्रकट हुआ तो जो व्यक्ति था बिल्कुल डर गया था, जब डर गया था तो शेर आया उसको पकड़ लिया या खा लिया, नोच नाच दिया खा लिया। तो ही जो अच्छा मतलब सोचते हो तो अच्छाई होती है, या बुरी तरीके से सोचते हो तो बुराई होती है। कभी मतलब बुराई नहीं सोचना चाहिए, या कभी ज़्यादा इच्छा भी नहीं रखना चाहिए कि मुझे ये मिले मुझे वो मिले, मेरे साथ ऐसा हो मेरे साथ वैसा हो। सदा अच्छाई सोचते हैं तो अच्छाई होती है, बुराई सोचते हैं तो बुराई होती है। तो इस वीडियो से बहुत अच्छा सीख मिली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। इसमें थोड़ा थोड़ा हर तरीके बताए हैं जिससे माइंड भी फ्रेश हो जाता है। कैसे एक बच्चे के बारे में बताए हैं, जो एक परिवार के बारे में कि हमेशा परेशान होता था। तो फ्रेंड्स बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इतना साथ ज़्यादा बता दूँगी, तो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग के मिलती रहेगी। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।